ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بزرگو دوستو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور جنت میں جانے والے اعمال کا بھی ذکر فرمایا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جنت میں جانے والے اعمال کا ذکر فرمایا بہت سے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں کچھ اعمال کا میں ذکر کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ جنہیں ہم کر کے جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں ویسے حقیقت یہ ہے کہ فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویا اللہ تعالی کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بندوں کو بخشنے کے لیے مال و دولت تلاش نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالی کی رحمت بے پایا کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اگر آدمی راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے کوئی مناسب بات کہہ کر کے اگر دو روٹھے ہوئے بھائیوں میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے عذاب سے اگر دو قطرے آنسو گر جائے اللہ کے عذاب کے خوف سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اہل اللہ سے محبت کر لو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پیاسے کتے کو بھی اگر پانی پلا دیا جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا
नेकी के किसी काम को भी हकीर न समझो। छोटी सी छोटी नेकी जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। और याद रखें, छोटा सा छोटा गुनाह भी जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। तो जन्नत में जाने के लिए बहुत से आमाल हैं, लेकिन उनमें से एक अमल ये भी है, तो बहुत अहम अमल है कि इंसान हुकूकुल इबाद की मुकम्मल अदायगी करे, हुकूकुल इबाद अदा करे, यतीमों बेवाओं का ख्याल रखे, वालिदैन की खिदमत करे, रिश्तेदारों का जो हक है उसको अदा करे, अपने अहलो आयाल पर खर्च करे, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हकदा व अशार बिस्सबाबति व फरज बैनहुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। ये कहकर के आपने अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली में थोड़ा सा फासला रख करके आपने इस तरह से इशारा फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह से रहेंगे। तो ये भी आमाल है जन्नत में जाने का। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक ये भी है कि मखलूक की खिदमत करे, खिदमत खल्क। जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह की रिदा के लिए खिदमत करेगा तो अल्लाह उसे मखदूम बना देगा। हर के खिदमत कर्द उ मखदूम शुद, हर के खुदरा दीद उ महरूम शुद। अल्लाह के लिए जो किसी की खिदमत करता है, अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह उससे राजी हो जाता है और इंशाअल्लाह कयामत के दिन वो मखदूम बनाया जाएगा। अब खिदमत खल्क की बहुत सी शक्लें हैं कि आदमी बीमारों की इयादत करे, उसकी जरूरत पूरी करे और रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा दे, प्यासे जानवर को पानी पिला दे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करे, परेशान हालों की परेशानी दूर करे, भूखों को खाना खिलाए। ये सारी वो शक्लें हैं जिससे इंसान जन्नत में जाने का मुस्तहिक होगा। तिर्मिजी शरीफ में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सहाबा पर अपनी जुबान से सहाबा को निशाना बनाते हैं, अपनी कलम से सहाबा को निशाना बनाते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी एक बहसो मुबाहसा का बाजार गर्म है। एक बड़े आलिम दीन ने कुछ महीना पहले हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से कुछ नामुनासिब बात कही और फिर उसके बाद कुछ दिनों पहले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 5000 अहादीस से ज्यादा रिवायत उन्होंने की है, उनके शान में भी कुछ इस तरह के कलिमात कहे जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बेअदबी और गुस्ताखी हो रही है, तनकीस हो रही है उनकी शान में। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुल्क में आपसी इंतशार, इख्तलाफ, इस उम्मत के लिए क्या कम मसाइल हैं हिंदुस्तान में,
जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा उलझी हुई है, साजिशों का शिकार है, फितनों का शिकार है, और फिर ऐसे माहौल में एक आलिम दीन की तरफ से इस तरह की बात सहाबे किराम के ताल्लुक से आ जाए, पूरी उम्मत और मजीद आजमाइश में पड़ जाती है। अल्लाह ताला उन्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। जब एक आम मुसलमान के ताल्लुक से कहा गया कि सिबाबुल मुमिन फुसूकुन, एक आम मुसलमान के लिए सिबाब फिस्क है, तो सहाबे किराम के ताल्लुक से उनकी शान में ऐसे कलिमात कहना जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो रही हो, तो ये तो और भी खतरनाक हो जाता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सहाबे किराम की शान में तनकीस कर रहा है, उनकी तनकीद कर रहा है, तो समझो उसका दीन मशकूक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम के साथ अजमत मोहब्बत का मामला हम अपने दिल में रखें। अदना सी बेअदबी से अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन आद मरीदन औ ज़ार अखन लहु फिल्लाह नादाहु मुनादिन तिबत व ताब ममशाक व तबव्वअत मिनल जन्नत मंज़िला। जो शख्स किसी बीमार की इयादत करता है या अल्लाह के खातिर अपने किसी मुसलमान भाई की जियारत करता है, तो एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है कि तुम भी मुबारक हो, तुम्हारा चलना भी मुबारक है, और तुमने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। और मजीद जन्नत में जाने वाले आमाल में से एक अमल हुस्न खुल्क भी है, अच्छे अखलाक, जो जन्नत में जाने का जरिया बनता है। तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन मजलिसन यौमल क़ियामति व अहासिनकुम अख़लाक़ा। तुम में सबसे ज्यादा मुझे महबूब और क़ियामत के दिन मजलिस में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अखलाक के एतबार से सबसे बेहतर हो। अल्लाह हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी।